अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम अहमदाबाद। हमें आज इमदाद भाई के साथ में लबैक गोट फार्म। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। सो माशाल्लाह पूरी सीरीज़ कवर कर रहे हैं हम लोग, एंड आपके सामने ज़बरदस्त बकरा है भाई। क्या डिटेल पे इमदाद भाई है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये 42 की साइज है जी, और माशाल्लाह देख लो आपके सामने है। वेट तो करेंगे इंशाल्लाह अभी हम अंदर जाके। आपका क्या अंदाज़ा है वैसे इस पे वेट का? इंशाल्लाह अंदाज़ा होना चाहिए 170 किलो के आसपास होगा भाई। सही है, तो वेट करके देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने इसको कितने साल, मतलब एक साल में प्रिपेयर किया? एक साल भी नहीं, मेरे पास आए हुए को इसको 3 महीने हुए। 3 महीने में ये प्रिपेयर हो गया? 3 महीने में प्रिपेयर। क्या वजन पे आपने इसको लिया था? ये वजन पे हमारे पास आया था 140 किलो। तो ये सिर्फ भरने के लिए आया था कि आपने बेचा इसको? नहीं नहीं, ये भराई के लिए हमारे पास तौसीफ भाई अजमेर वाले भाई है, उनके थ्रू हमारे पास आया। उनके खुद का बकरा है, तौसीफ भाई का बकरा है। तो अगर किसी को भराई पे भेजना है आपके पास बकरे, तो भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं ना भाई। खस्सी अंडूल दोनों रखेंगे? खाली खस्सी, ओनली खस्सी। मैक्सिमम आपका क्या वजन तक गए बकरे भाई? भाई मिनिमम वजन तो मेरा गए साल बकरा कट गया था भाई, इंशाल्लाह वो बकरा रह गया होगा ना भाई, तो करीबन करीबन मैं बोलता हूँ 235 किलो तो मैंने करके रखा हुआ था। 235 kg। और जो आप बॉम्बे लाए थे उसमें भी 200 किलो के बकरे थे? उसमें भी 220 किलो का एक बकरा था काला पंजाब, और एक बकरा था 202 किलो के आसपास बकरा था। तो वो टाइम भी आपका रिकॉर्ड ही था बेसिकली देखा जाए तो? अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तो देखो बनाते और टूटते जाते, कोई ऐसा वो नहीं है। ये तो एक शौक है, नायाब नबी का शौक है, अपने नबी की सुन्नत है कि एक तो अच्छे से अच्छे बकरे अल्लाह तैयार करवाता है अपने हाथ से, और अल्लाह बस उसके हमीद के सदके में बस ऐसे बकरे तैयार कराते रहे। ये कौन से एरिया में, हम कौन सी दरगाह, तो लोगों को बताए प्लीज़। ये जमालपुर एरिया है, पिराने पीर दस्तगीर का चिल्ला है। माशाल्लाह यहाँ पे अपना सामने लबैक गोट, बिल्कुल सामने ही आपका, बिल्कुल सामने। तो बकरे को अब ले जाएंगे हम लोग और वेट करेंगे वहाँ पर, इंशाल्लाह लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दरगाह के बिल्कुल सामने ही लबैक गोट फार्म माशाल्लाह इमदाद भाई का। इमदाद भाई कितने साल से हम ये फार्म रन कर रहे हैं यहाँ पर? ये यहाँ पे मैंने फार्म बनाया है कुछ करीबन 3-4 साल हो गए मुझे फार्म। जिसको भी भराई का शौक होगा आई थिंक ऐसा बकरा देखना ही बहुत बड़ी बात है। ये नस्ल सोजत ही बोलेंगे आप? हाँ ये सोजत है। तो सोजत में भी बहुत हैवी बकरे बन सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन सकते हैं ना भाई। ठीक है, तो एक बार वजन करके लोगों को दिखा देंगे? दिखाएंगे ना भाई, वजन करके दिखाएंगे। ठीक है एक बार वजन कर लेते हैं इंशाल्लाह। आइए आएगा आएगा उसका अच्छी आएगा माशाल्लाह। तो दोस्तों आप जीरो देख सकते हैं ऑन द थ्रॉट, ये इनका बहुत ही अच्छा देख सकते हैं लबैक गोट फार्म वेट मशीन। चलिए इमदाद भाई बिस्मिल्लाह। वन ऑफ द वेरी हैवी गोट्स ऑफ इंडिया, पूरे चारों तरफ से बंद होगा। देखिए यहाँ से कड़ी लग गई, वहाँ से हो गया, बकरा बस एक जगह रुक जाए अभी। ऑन द थ्रॉट इट्स गोइंग अप टू 179 प्लस माशाल्लाह 180। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इमदाद भाई, अल्लाह का शुक्र है 180 किलो का बकरा, बहुत ही शानदार माशाल्लाह भाई। आपकी मेहनत को बहुत सल्यूट है पूरे इंडिया की तरफ से। क्या बात है, 180 किलो का बकरा, और आज इससे भी बड़े बड़े बकरे खड़े आपके पास है ना, तो वो भी लोगों को देखने मिलेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए लबैक गोट फार्म के। ठीक है अहमदाबाद नंबर ले लीजिए आप इमदाद भाई का माशाल्लाह, ये दोनों नंबर आपके ही है ना? हाँ दोनों नंबर। और ये भाई का ईमेल आईडी है imdadquraishi@gmail.com अहमदाबाद। जज़ाकअल्लाह खैर, ये पहला वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाओगे आप? नेक्स्ट वीडियो में मेरे वहाँ मुंह से खाने वाले बकरे हैं 3, वो बेचने के हैं। ये बकरा बेचने का नहीं है मुझे, ये हमारे भाई मुसीफ भाई के वहाँ का बकरा है, कल इसको हम इंशाल्लाह डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए और 3 बकरे देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम।